नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक आज बड़ा छोटा ट्रिकी सा वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। गूगल क्रोम आप सभी लोग चलाते होंगे। गूगल क्रोम में कुछ दिनों पहले एक कोड मैंने बताया था, उस कोड का आज मैं एक दूसरा पक्ष लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे गूगल क्रोम की मदद से कोई भी इंसान आपके फ़ोन के अंदर जो है कुछ भी देख सकता है, कोई भी चीज़ वहाँ से हैक क्रैक कर सकता है। आप लोगों को इससे कैसे बचना है ये मैं बताऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एप्लीकेशंस जो होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं उसमें हम लॉक लगा कर रखते हैं, लेकिन गूगल क्रोम में हम लॉक नहीं लगाते हैं। और गूगल क्रोम जिस तरीके से जैसे हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद होता क्या है, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे और जो कोड मैंने बताया था वो कोड आप देख सकते हैं। यहाँ फाइल स्लैश एसडी कार्ड आप लिखेंगे, आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये इंडेक्स ऑफ, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का पूरा यहाँ पर इंडेक्स आपको दिख गया है। और यहाँ पर आप जो भी ओपन करेंगे वो इजीली देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ एक कैनवा फोल्डर है मेरे, उसमें ये आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस है। किसी भी इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इमेज यहाँ से इजीली क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों दिख जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है जब कहीं अनजान जगह हमारा फ़ोन चला जाए। क्योंकि आपके गैलरी और सब जगह तो लॉक लगा होगा, लेकिन गूगल क्रोम के इस कोड की मदद से हम किसी भी जो है उसको इजीली यहां से देखिए ट्रैक कर सकते हैं। ये अब हमें करना क्या है, इससे हमें बचना कैसे है, इसके दो आसान तरीके हैं। पहला तरीका, आप सभी लोग गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम को भी जो है लॉक करिए। इसमें भी आप स्क्रीन लॉक लगाइए, आप फेस लॉक लगाइए, जो भी आप लॉक लगा सकते हैं। दूसरा आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आप जाएंगे यहाँ से एप्लीकेशंस एंड परमिशंस में, यहाँ से आप जाएंगे ऐप मैनेजर में। ऐप मैनेजर में जाने के बाद जो है दोस्तों आपको जाना है क्रोम पर। ये देखिए ये क्रोम आ गया है, क्रोम पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परमिशंस का ऑप्शन, परमिशन के ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आप देख रहे होंगे स्टोरेज लिखा आ रहा है, जैसे हमने गूगल क्रोम को कैमरा कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन स्टोरेज अलाउ कर रखा है, यहाँ से आप स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और इसको डिनाई कर देंगे, डिनाई एनीवे कर देंगे। अब ये डिनाई हो गया है, आप पीछे आएंगे, आपने क्रोम को स्टोरेज जो है यहाँ से बंद कर दिया है। अब हमें करना क्या है, हम चलेंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद अब जैसे ही उस कोड को फिर से डाला जाएगा, इस कोड को क्लिक करने के बाद जो है देखिए ये यहीं पर मांग रहा है अलाउ क्रोम टू एक्सेस फोटोज एंड मीडियाज ऑन योर डिवाइस। हमें इसको अलाउ नहीं करना है, हमें यहाँ से डिनाई कर देना है। तो अब जो उस कोड को मैं डाल रहा था वो यहाँ से जो है आपको सामने नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने मीडिया से इसको दोस्तों बंद कर दिया है। तो हो सकता है तो सेटिंग्स में जाके अपने मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस को एक बार रिव्यू कीजिए। किसी को भी अनवांटेड लोकेशन नहीं देनी है, स्टोरेज नहीं देना है, कॉन्टैक्ट नहीं देना है, कुछ भी ऐसा नहीं देना है जिससे हमारी सिक्योरिटी को, हमारे डेटा को हैक होने का, क्रैक होने का खतरा हो। और गूगल क्रोम में भी जो है आप इजीली एक लॉक लगा कर जरूर रखें, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड हमें फ़ायदा देता जा रहा है उसके कहीं ना कहीं रिस्क भी हैं, इसलिए हमें स्मार्ट बनना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक, ये टिप्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।